यहाँ पे हम वापस से खेलने जा रहे हो फिर वाइस टाउन। ये देख रहे हैं मेरी लग्जरी कार, काफी जोम्बी कार है भाई, एक नंबर जोम्बी कार है भाई। इस कार को हम टिप्सन दादा को दिखाएंगे, दिखाने के बाद कहेंगे ये कैसी कार है। तो हम यहाँ पे फटाफट टिप्सन दादा के पास जाएंगे, टिप्सन दादा के पास जाने के बाद उनसे बोलेंगे ये कार कैसी है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं टिप्सन दादा के पास। तो भाई ये कार क्या लग्जरी कार है भाई, एक नंबर क्या जंप हुआ है भाई, ऐसा जंप हुआ है क्या कहने का। इसी जगह पे कोई और कार है थी, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं भाई, टुकड़े टुकड़े। तो भाई ये मेरी कार पलटी हो गई है भाई, इसको मेरे को सीधा करना होगा। तो फटाफट इसे सीधा करने के बाद यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो बहुत भारी लफड़ा हो जाएगा भाई। सीधा हो जाए भाई, सीधा हो जा। तो इसे हम सीधा कर लेते, सीधा करने के बाद भाई सीधी हो चुकी है कार। कार सीधी हो जाने के बाद टिप्सन दादा के पास जाएंगे और ये कार दिखाएंगे, दिखाने के बाद वो क्या बोलते हैं ये कार के बारे में। तो फटाफट टिप्सन दादा के पास जाते हैं, टिप्सन दादा के पास जाने के बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो चलते हैं यहाँ पे, चलने के बाद भाई पहुँच ही गए, थोड़ी देरी में पहुँच जाएंगे। तो बस पहुँच गया मैं, पहुँच गया। तो ये कार काफ़ी आगे आ चुकी है भाई, इसे हमें पीछे लेना है भाई, पीछे जाना है हमें। तो पीछे जाने के बाद यहाँ से उतरते, उतरने के बाद टिप्सन दादा से बात करते, बात करने के बाद देखते हैं ये कार कैसी है। तो बताओ भाई ये कार कैसी है टिप्सन दादा। छोटे ये तो जोम्बी कार है, इससे भी बड़ी जोम्बी कार तुम्हें मैं दे सकता हूँ, मॉन्स्टर जोम्बी कार। तो ये जोम्बी कार इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगी। तुम जल्दी से गन ले लो, गन लेने के बाद तैयार हो जाओ, तुम्हें एक मिशन पे जाना होगा, काफ़ी डेंजर मिशन है। तो फटाफट तैयार होकर यहाँ से निकलो। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने गन ले चुका हूँ, गन काफ़ी तैयार हो चुका हूँ भाई। यहाँ पे काफ़ी सारे गुंडे, पता नहीं कितने गुंडे होंगे, कितने डेंजर गुंडे होंगे। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं। तो भाई ये मेरी जोम्बी कार काफ़ी खतरनाक जोम्बी कार है भाई, टूटी फूटी है लेकिन रफ्तार बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ भागती है, मतलब धूम 3 को भी फेल कर देगी, इतना तेज़ भागती है भाई ये कार। तो भाई इसकी रफ्तार देख रहे हो, 200, 300, 400 स्पीड है इसकी, बहुत तेज़ भाग रही है भाई। यहाँ पे जो सामने आ जाएगा ना उसकी हड्डी वड्डी सब टूट जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी जोम्बी कार को भगा रहे बहुत तेज़ी रफ्तार से। तो यहाँ से हमको मिशन पर जाना है, मतलब हमको पीछे जाना, हम आगे निकल चुके हैं भाई, तो हमको आगे नहीं जाना, पीछे जाना है भाई। यहाँ से हमको स्टंट करना पड़ेगा, मतलब हमको उस पार जाना, नदी के उस पार जाना होगा। तो यहाँ से हम फटाफट स्टंट करके निकलते हैं, स्टंट करके मतलब कि। तो यहाँ से हम फटाफट स्टंट करते हैं, निकलते हैं, निकलने के बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे अपने को नदी में नहीं जाना भाई, नदी में मत जाना भाई, जोम्बी कार बहुत मुश्किल से मिली है, गई नदी में और हो गया हमारा कल्याण। तो हमारी जोम्बी कार को निकालना पड़ेगा भाई, कैसे निकालेंगे वो हम सोचेंगे बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ से हम फटाफट बाहर निकल लेते हैं, बाहर निकलने के बाद देखेंगे जोम्बी कार को कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना। तो यहाँ से हम फटाफट निकलते हैं, निकलने के बाद देखेंगे। तो भाई हमें सबसे पहले ये मिशन कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जोम्बी कार को बाहर निकालेंगे अपन। तो हमको मोस्टर जोम्बी कार भी चाहिए भाई। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं भाई, ये पीली कलर की कार दिख रही है, पीली नहीं है भाई, कोई और रंग की है कार। तो यहाँ से हम निकलते हैं, निकलने के बाद हम आ चुके हैं अपने मिशन पे। मिशन पे आ जाने के बाद देखते हैं यहाँ पे कितना लफड़ा हो रहा है, तो कितना ड्रग्स डील हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, आने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 2-3 गुंडे मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने से आते हुए भाई, इन गुंडे को मैं सबक सिखा देता हूँ मार के, मारने के बाद देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे फटाफट इनको गन को भाई, गन नहीं चेंज कर पा रहा हूँ भाई, यही गन से मुझे मारनी पड़ेगी। मैं गन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चेंज नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे फटाफट अपनी गन को नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, यहाँ पे खरीदा दूसरा गन, देखते हैं गन को चेंज कर पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ। तो वापस ये खरीद लेता हूँ नई वाली गन। गन खरीदने के बाद मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे गन के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन गन को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे यही गन से मारना पड़ेगा। तो फटाफट इन्हें मार लेता हूँ यही गन से, तो खोपड़ी उड़ा देता हूँ, कई दूसरे की भी खोपड़ी गई। तो भाई ये मुझे हाथ से मार रहा भाई, ताकत देख रहे हो उसकी भाई, ताकत देख रहे हो इसकी, खाया पिया एक नहीं गिलास थोड़ा आटना, तो भाई इसकी ताकत बहुत ज़्यादा ताकत है भाई। इसकी एक गोली मैंने उड़ा दिया मैंने, तो भाई इसको भी टपका देते हैं, क्योंकि बहुत टिप्सन दादा के जैसा दिखने वाला गुंडा दिखा मुझे भाई, इसने मुझे मार दिया, बहुत गलत किया भाई। तो यहाँ पे वापस में आ गया, आने के बाद देखते हैं वापस लड़ते भाई। तो वापस वही गुंडा मुझे दिखा है, तो ये गुंडा बहुत ताकतवर गुंडा था भाई, जो टिप्सन दादा के जैसे दिखता है। तो वो गुंडे को मैंने वापस से वहीं पे मारूंगा, बल अंधेरा हो गया, मतलब अंधेरा हो जाने के बाद वापस से उस गुंडे को मैंने मार के ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से हम लोग गए थे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ पे एक कार दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कार को बैठना पड़ेगा, कार पे बैठने के बाद पता चलेगा कहाँ जाना है। कार तो नहीं रहती है भाई, वैन रहता है भाई, वैन। तो यहाँ पे वैन लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे वैन ले लेते हैं। वैन लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं और हमें किसी का पीछा करना होगा, तभी जाके हमें कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। तो हमें इसे पीछा करना होगा, तो पीछा करने के लिए यहाँ से हम फटाफट निकलते हैं भाई। यहाँ से मैंने इसको तोड़ देता हूँ भाई, यहाँ पे क्यों लगा के रखा है भाई रास्ते में भाई, इसे रास्ते में लगाना ही नहीं चाहिए। तो ये वो कार जिसे हमें पीछा करना होगा, तो ये इसे हमें पीछा करना होगा। तो भाई देखते हैं इसे पीछा करने के बाद हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो यहाँ पे फटाफट हम एक कार को रोक लेते हैं, रोकने के बाद देखेंगे वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। तो देखते हैं कहाँ जा रहा है भाई, वो पी के चला रहा है भाई क्या,
कुछ ज़्यादा पी लिया क्या, कुछ ज़्यादा नशे कर लिया भाई, सस्ते नशे कम किया करो भाई, 5-10 रुपया ज़्यादा लगाओ लेकिन नशा कम किया करो। तो भाई इसने मुझे ठोकने की कोशिश कर दी भाई, ठोक दिया भाई। यहाँ पर मैं मतलब हार चुका हूँ, हारूँगा तो नहीं भाई, तो यहाँ पे मैं जीतने की कोशिश करूँगा। तो इस कार वाले पे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मतलब इस कार वाले को मैं उठा के पटकने वाला हूँ। तो भाई चल तेरी कार को नैया में डुबोंगे, और नैया में डुबोने के बाद इसे तैराएंगे। तो यहाँ पे फटाफट इसकी कार को नदी में डुबो को चलाने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पर फटाफट चलाऊँगा और बहुत मज़े करेंगे। तो यहाँ से फटाफट इसकी नदी में कार को डुबा देता हूँ। तो भाई छोड़ो यार, इसकी कार को नहीं डुबाना अपने को, अपने को फालतू लफड़ा नहीं लेना यहाँ पे। तो यहाँ से हम फटाफट निकलते अपनी दारू की बोतल ले लेते भाई। तो यहाँ पे एक दारू की बोतल नहीं लेंगे भाई, यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है भाई। चांद निकल चुका है, मतलब सूरज निकल चुका है, सुबह हो चुकी है। तो इसको फटाफट तोड़ने के बाद यहाँ पे कार दिख रही है, कार तो नहीं है भाई, बाइक है, बाइक हमको कार दिखी जैसे लगा। यहाँ पे बाइक ले लिए, बाइक लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद यहाँ पे एक लूट बॉक्स दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे लूट बॉक्स फटाफट लेते हैं। लूट बॉक्स को लेने के बाद यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है, सोना चांदी या फिर गन या फिर पेटी या फिर बहुत सारा पैसा। तो देखते हैं क्या निकलता है, लात मारा मैंने, लात मारने के बाद देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ पैसे मिला है, पैसा मिलने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ एमओ मिला है, एमओ मिलने के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो भाई यहाँ पे ये बाइक भी बहुत अच्छी बाइक है भाई, इसकी रफ्तार भी बहुत तेज़ रफ्तार है, मतलब एक नंबर रफ्तार है। तो हम अपने टिप्सन दादा के पास जाएंगे, टिप्सन दादा से बात करेंगे, वो हमें जोंबी कार देने की बात कर रहे थे। पता नहीं झूठ बोले हैं, असत बोले हैं, मुझे नहीं पता, या फिर धोखा दे रहे हैं हमें। तो यहाँ पे मुझे कोई बैंक में डाका डाल के आया क्या भाई, देख सकते हो उसके पास कितनी पेटी थी भाई, मैंने उसको ठोका, इसने बैंक में डाका डाल के आया था, जिसके पास पैसे बहुत थे भाई, एमओ है इसके अंदर भाई, वो आत्महत्या करने जा रहा है, मतलब मरने जा रहा है भाई, मरने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है। तो भाई देख रहे हो कैसे कूद गया नीचे, बहुत खतरनाक तरीके से कूद गया नीचे, आत्महत्या कर ले भाई, कूद गया, मर गया मतलब वो। उसको हम छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, हमको उसको पीछा नहीं करना, यहाँ से हमसे निकलना है। तो हम ये बुढ़े देख रहे हो क्या पी रहा, पी के यहीं पे सो जाओगे क्या भाई। तो यहाँ पे फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाई, इनके कोई लफड़ा उफड़ा करना नहीं अपने को भाई। हमें एक फ़ोन आ चुका है, फ़ोन आने के बाद इस फ़ोन को उठाते हैं, उठाने के बाद यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी भाई। एड आता है तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, सच बता रहा हूँ, तो ये एड को बहुत गुस्सा आता है मुझे, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है। तो ये मिशन पर हमें जाना होगा, जाने के बाद पता चलेगा यहाँ पर क्या करना है हमें। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें देखते हैं, यहाँ पर मुझे गन मिलेगी, काफ़ी खतरनाक वाली गन मिलेगी। तो ये खतरनाक वाली गन लेने के लिए यहाँ से हम निकल चुका हूँ। निकलने के बाद मुझे खतरनाक वाली गन मेरे हाथ में आ चुकी है, तो इनको टेस्ट करने के लिए इन एनिमी को मुझे मारना पड़ेगा, ये लड़कियों को काफ़ी मारना पड़ेगा भाई यहाँ पे, नहीं तो ये नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये लड़कियों को मारूंगा तभी मुझे ये गन मिल पाएगी। तो यहाँ पे फटाफट इनके लड़कियों को मारने के बाद पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। तो भाई ये मुझे बहुत पावरफुल गन दिख रही है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब ये एक एक गुंडे को मार सकती है। तो फटाफट बस इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगले एपिसोड में भाई मॉन्स्टर कार तो नहीं मिली, मॉन्स्टर जोंबी कार नहीं मिली, लेकिन शायद हमें धोखा मिला हो। तो यहाँ पे हमें धोखा मिल चुका है, बहुत बड़ा धोखा, टिप्सन दादा ने हमें धोखा दिया है। कोई बात नहीं, उनसे हम बात करके देखेंगे क्यों ऐसा झूठ क्यों बोला हमें कि मॉन्स्टर कार नहीं मिली हमें। तो हम उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे भाई टिप्सन दादा की गर्लफ्रेंड है क्या भाई, बहुत मारी है, कुछ ज़्यादा मारी है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो कर दो यार सब्सक्राइब, बस इस वीडियो में इतना ही।